कल TGT एग्रीकल्चर की परीक्षा होने जा रही है, तो मैंने आज एग्रीकल्चर में एनिमल साइंस से संबंधित कुछ संभावित प्रश्नों को डाला है। आप 10-15 मिनट इसको देख लें, हो सकता है कोई प्रश्न इससे आपको मिल जाए। तो देर न करते हुए, क्योंकि समय नहीं है, पहला प्रश्न है, द कमेटी विच फिक्स द प्राइस ऑफ एग इन इंडिया इज, भारत में अंडों का मूल्य निर्धारण कौन करता है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, NECC, NECC, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। दूसरा है, मेन प्रोटीन प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी इज, पशु में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? तो इसमें भी ए ऑप्शन सही है, कोलेजन, कोलेजन। तीसरा प्रश्न था, द क्वीन ऑफ मिल्च ब्रीड ऑफ गोट इज, दुधारू पशुओं में, दुधारू बकरी में रानी कही जाती है, एक ऐसी प्रजाति है बकरी की। तो ये चार दी हुई, सानेन, नुबियान, अल्पाइन, नॉन। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, सानेन। चौथा प्रश्न है, शीप ब्रीड ऑफ साउथ इंडिया प्रोड्यूसिंग फाइन वूल इज, दक्षिण भारत की भेड़ की ऐसी प्रजाति जिससे अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। तो इसका भी यही ऑप्शन है, नीलगिरी। पांचवा है, करण फ्रिज इज ए क्रॉस ऑफ, करण फ्रिज किसके किसके बीच में क्रॉस है? होलिस्टीन फ्रीजन बुल, थार पार्कर। तो इसमें यही ऑप्शन सही है, होलिस्टीन फ्रीजन, थार पार्कर। पांचवा, छठा प्रश्न है, क्रॉस बिटवीन रेड सिंधी काऊ एंड रेड सिंधी बुल इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं आउट क्रॉसिंग, रेड सिंधी काऊ और रेड सिंधी बुल, इसको आउट क्रॉसिंग कहते हैं। छठा है, सातवां है, क्रूड फाइबर प्रेजेंट इन कंसनट्रेट शुड बी, जो रातब होता है, दाना होता है, उसमें क्रूड फाइबर यानी उसमें कितना परसेंट रेशा होना चाहिए? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, लेस देन 18%। आठवां प्रश्न है, मॉइस्चर परसेंटेज इन हे शुड बी, हे आप जानते होंगे साइलेज और हे पढ़ लिए होंगे अब तक, तो हे में कितने परसेंट मॉइस्चर होनी चाहिए? तो इसका भी ए ऑप्शन सही है, लेस देन 10%। अगला है नवा, नॉट ट्रू अबाउट साइलेज, साइलेज के बारे में क्या सही नहीं है? पीएच 4.2 से लेकर 4.5 ये सही है, अमोनिकल नाइट्रोजन 10-15% ये भी सही है, ब्यूटायरिक एसिड ये गलत है, लेस होना चाहिए ब्यूटायरिक एसिड, मोल्ड नील होना चाहिए, सही है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मेस्टाइटिस, जिसको थनैला कहते हैं, जनरली अकर्ड इन, थनैला किसमें होता है? तो हाई मिल्च एनिमल्स, अधिक दूध देने वाले पशु में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्यारहवा है, स्ट्रिप कप टेस्ट इज रिलेटेड टू, स्ट्रिप कप टेस्ट इज रिलेटेड टू, तो ये स्ट्रिप कप टेस्ट, इसका डी ऑप्शन सही है, मेस्टाइटिस थनैला की जांच से संबंधित है। 12वां प्रश्न है, मिल्किंग शुड बी कंप्लीटेड विद इन, दूध पशु से कितने समय में निकाल लेना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन में ए ऑप्शन सही है, 5-7 मिनट, 5 से 7 मिनट के अंदर मिल्किंग कर लेनी चाहिए अधिकतम दूध लेने के लिए। 13वां प्रश्न है, मेथड नॉट सुटेबल फॉर मिल्किंग, कौन सा ऐसा तरीका है जो दुग्ध दोहन के लिए उचित नहीं है? फुल हैंड, स्ट्रिपिंग, थंब, नॉन। तो अंगूठा विधि अच्छी नहीं है, स्ट्रिपिंग माने चुटकी विधि और फुल हैंड माने पूर्ण हस्त दोहन, बाकी सभी ठीक है, इसी अच्छा मेथड नहीं है। 14 है, कार्ड हाफ ऑफ
द हर्ड। झुंड का आधा किसे कहा जाता है? बुल हिफर शीप नान। तो बुल को कहा जाता है, सांड को झुंड का आधा कहा जाता है। रिंगिंग अ बुल शुड बी डन एट द एज ऑफ, किस उम्र में रिंगिंग यानी छल्ला डालना चाहिए? तो ये पहला ऑप्शन सही है, ए 1 ईयर। 16 प्रश्न है, साइज ऑफ बुल पेन शुड बी, बुल पेन माने बुल का बाड़ा का आकार क्या होना चाहिए? तो इसमें ए ऑप्शन ही सही है, 12 × 12 स्क्वायर फीट, 12 × 12 स्क्वायर फीट का उसका बाड़ा होना चाहिए। 17वां प्रश्न है, कवर्ड एरिया रिक्वायर्ड फॉर ए काउ इज, एक गाय के लिए कितनी कवर्ड एरिया उत्तम रहती है उसको रहने के लिए? तो इसमें भी यही ऑप्शन सही है, 20 से 30 स्क्वायर फीट। अगला है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ गिल्ट फीमेल पिग, फीमेल सुअर सुअर सुअरी का कितना गर्भकाल होता है, गेस्टेशन पीरियड? तो ए ऑप्शन सही है, 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन, कुल इतना ही समय उसके लिए होता है। 19वां प्रश्न है, कॉल्ड पुअर मैंस कामधेनु, तो गरीबों की कामधेनु बकरी कहलाती है, ए ऑप्शन सही है, गोट। 20वां प्रश्न है, प्रोसेस ऑफ गिविंग यंग वंस ऑफ गोट इज कॉल्ड, बकरी से बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लैम्बिंग, किडिंग, जनरेशन। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, किडिंग कहते हैं। 21वां है, नावल कार्ड शुड बी लेफ्ट इन गोट, बकरी की नावल कार्ड जब काटी जाती है तो नाभि से कितनी छोड़ देनी चाहिए, कितनी लंबी? तो यही ऑप्शन सही है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। 22वां है, ग्रेजुअली स्टॉप फीडिंग ए किड विद इट्स मदर मिल्क एंड स्टार्ट गिविंग इट सॉलिड फूड इज कॉल्ड, धीरे धीरे पशु का दूध छुड़वा लेना और साथ में उसको कुछ ठोस आहार देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें चार ऑप्शन है, वीनिंग, सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, नॉन। तो इसको ए ऑप्शन सही है, वीनिंग, वीनिंग। 23वां प्रश्न है, एट व्हाट एज डिसबडिंग ऑफ हॉर्न्स इन गोट टू बी डन, किस उम्र में सींगों की डिसबडिंग जो उभार होते हैं उनको हटाना चाहिए? तो ए ऑप्शन सही है, 1 वीक, 1 सप्ताह की अवस्था में। 24वां प्रश्न है, एट व्हाट एज टैटूइंग शुड बी डन, तो इसका भी यही ऑप्शन सही है, 1 वीक एज, 1 सप्ताह की अवस्था में टैटू पहचान के लिए बना देना चाहिए। 25वां है, कैस्टेशन एज ऑफ गोट इज, जो बकरा होता है उसको अगर बधिया करना है तो उसके लिए क्या एज उचित है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 1 to 2 वीक्स। 26वां है, डॉकिंग इन शीप मीन्स, भेड़ में डॉकिंग का क्या मतलब है? तो कटिंग ऑफ टेल, फीडिंग ऑफ यंग वंस, रिमूवल ऑफ हेयर। तो इसमें ए ही ऑप्शन सही है, कटिंग ऑफ टेल, पूंछ काटना, 2 3 सेंटीमीटर छोड़ करके पूंछ काट देते हैं, उसी को डॉकिंग कहते हैं। मोहेर फाइबर आर ऑब्टेंड फ्रॉम, मोहेर ऊन जो रेशे हैं किससे पाए जाते हैं? अंगूरा गोट, अंगूरा रैबिट, सीप, सेबल। तो इसमें ए ही ऑप्शन सही है, अंगूरा गोट, अंगूरा बकरी से ही मोहर हेयर पाए जाते हैं। नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज ऑफ एनिमल एनिमल्स, ब्लैक क्वार्टर, टीबी, रेंडर पेस्ट, मेस्टाइटिस। तो इसमें रेंडर पेस्ट सी ऑप्शन सही है, पोका या पोकनी भी कहते हैं, तो ये वायरस से होता है, बाकी सभी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं पशुओं की। 29वां है, नॉट टू अबाउट फूट एंड माउथ डिजीज, तो फूट और माउथ डिजीज़ के बारे में क्या सही नहीं है? खुरपका एंड मुंहपका रोग पशुओं में होता है कॉमन, ये वायरल है, हाँ ये वायरस से होता है। अंडर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये भारत सरकार के
वैक्सीन प्रोग्राम के अंदर है, टीकाकरण प्रोग्राम में सलाइवेशन जिस पशुओं में खुरपका मुंहपका होता है उसकी लार बहती रहती है, डी आल, तो यहाँ डी आल हो जाएगा, सभी सही हैं। अगला है नॉट टू अबाउट एंथ्रेक्स, तो ये जो पहला था नॉट टू अबाउट, ये नॉट नहीं रहेगा, ये सभी सही है, यानी ऑल टू अबाउट फूट एंड माउथ डिजीज, तो यहाँ नॉट का नहीं रहेगा, ऑल सभी सत्य हैं खुरपका और मुंह पका के बारे में, और यहाँ भी नॉट नहीं रहेगा, ये नॉट नहीं रहेगा, टू अबाउट एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स के बारे में बीमारी है पशुओं की, क्या सही है, ये बैक्टीरियल होता है, हाँ ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, ब्लीडिंग होती है, सडन डेथ होती है, तो इसमें डी आ सभी हो जाएंगे, यानी सभी सत्य हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। नॉट टू अबाउट, फिर इसमें नॉट नहीं होगा, ये टू होगा, टू अबाउट ब्लैक क्वार्टर डिजीज ऑफ एनिमल, ब्लैक क्वार्टर इसको लंगड़ी रोग भी कहते हैं, और ऑप्शन है लेमनेस, लंगड़ापन, पशु लंगड़ा के चलने लगता है, स्वेलिंग, बॉडी सूज जाती फूल जाती है, सही है। साउंड ऑन प्रेसिंग, अगर फूले हुए भाग को आप दबाएंगे तो चरचराहट की आवाज़ आती है, ये भी सही है ना, डी आल सभी सत्य हैं। 32वां है एवरेज वेट ऑफ एगीज, अंडा का औसत भार क्या होता है, तो ए ऑप्शन सही है, 56 ग्राम, 56 ग्राम। अगला है कॉल्ड रिफरेंस प्रोटीन, किसको संदर्भ प्रोटीन कहते हैं, तो अंडे की सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, इसीलिए अंडे के प्रोटीन को रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं। 34वां है नॉट मैस्ड प्रोटीन कंटेंट, कौन प्रोटीन कंटेंट मैस्ड नहीं है, काऊ 2.5, बफेलो 3.6, गोट 2.5, सीप 5.2, तो इसमें गाय में जो होता है वो सही है 3.5, ये 2.5 नहीं होना चाहिए था, ये वास्तव में ऑप्शन 3.5 है, इसको आप 3.5 पढ़ें, और ये ऑप्शन सही है काऊ। बफलो, बफलो में 3.6, ये भी सही है, गोट 2.5 ये गलत है, और सीप 5.2 ये भी सही है, तो प्रोटीन कंटेंट के संदर्भ में गोट का ऑप्शन गलत है, गोट में भी 3.5% प्रोटीन पाई जाती है, तो यही मैच नहीं है। हाईएस्ट लैक्टोज इज प्रेजेंट इन, तो हाईएस्ट लैक्टोज काऊ, बफलो, गोट, सीप, तो इसमें सबसे अधिक लैक्टोज जो है वो पाया जाता है बफलो में, बफलो में सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है, और ये होता है 5.48%, 5.48% होता है, 5.5 मान लीजिए फब, तो ये सबसे अधिक लैक्टोज इसी में होता है। 36वां है एवरेज फैट परसेंटेज इन काऊ मिल्क इज, तो एवरेज फैट परसेंटेज 4 होता है काऊ मिल्क में, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 3.5 मानक उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन होल कंट्री के लिए 4% ही है, तो इसको आप देख लें। 37वां है मैक्सिमम फैट प्रेजेंट इन खोआ, चीज, छेना, वेपोराइज मिल्क, तो मैक्सिमम प्रोटीन सॉरी फैट जो है वो खोआ में होती है, खोआ में, खोआ में फैट जो होती है वो 31% होती है, 31%, बाकी में इससे कम ही होती है, चीज़ में 25% होती है, छेना में 21% होती है, और वेपोराइज मिल्क में, वाष्पीकृत मिल्क में 10% होती है, तो इस हिसाब से पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां है हाईएस्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन किसमें प्रेजेंट होती है, होल मिल्क पाउडर, संपूर्ण दूध का पाउडर, विस्किम्ड मिल्क पाउडर, सप्रेटा मिल्क का पाउडर, चीज, छेना, तो
हाईएस्ट प्रोटीन होता है ये सेपरेटा का, स्कीम्ड मिल्क पाउडर, यानी यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कीम्ड मिल्क पाउडर में सबसे अधिक जो होती है वो प्रोटीन पाई जाती है, तो यहाँ इसके हिसाब से उत्तर जो है बी सही हो जाएगा। और स्कीम्ड मिल्क में 38% प्रोटीन पाई जाती है, 38%, बाकी में इससे कम होती है। होल मिल्क पाउडर में 26% होती है, चीज़ में 25% होती है और छेना में 18% प्रोटीन पाई जाती है। तो 39 है, इन कंपेरिजन टू मिल्क कोलेस्ट्रम इज पुअर इन, मिल्क की तुलना में कोलेस्ट्रम किसमें कमतर होता है, यानी मिल्क की तुलना में क्या चीज़ कोलेस्ट्रम में कम पाई जाती है? प्रोटीन, लैक्टोज, फैट, ऐश। तो लैक्टोज जो है वो वास्तव में कोलेस्ट्रम में कम पाया जाता है और दूध में कोलेस्ट्रम की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। 40वां प्रश्न है, फैट परसेंट इन बुफेलो इज, तो फैट परसेंट मानक रूप से 6% है और यही उत्तर सही है, 7 6.5 सब नहीं। 41वां है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज, किस पॉइंट पे मिल्क फ्रीज करता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, -0.55°C, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। और 42वां प्रश्न है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिल्क इज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल्क का जो है 1.34 है, 1.34। अगला है, मिल्क पाश्चुराइजेशन टेम्परेचर इज, पाश्चुरीकरण तापमान दूध का क्या है, तो 63°C फॉर 30 मिनट, 72°C फॉर 15 सेकेंड, बोथ ए एंड बी नॉन। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, दोनों ही ए और बी बातें सही हैं। अगला है, नॉट टू अबाउट कड़कनाथ, कड़कनाथ मुर्गा है आप जान ही रहे होंगे, तो गार्ड जीआई टैग, इसको जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक सूचकांक मिला है, हाँ मिला हुआ है, ये सही है। और ये भी सही है, ओरिजिन मध्य प्रदेश, इसका मूल स्थान जन्म स्थान मध्य प्रदेश है। ब्लैक फाउल, फ्लैश फाउल, और इसका मीट जो होता है काला रंग लिए हुए होता है, डी आल, तो यहाँ डी आल सही हो जाएगा, सभी बातें सही है। बेस्ट क्वालिटी ऊल इज ऑफ, किसकी सबसे अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है, तो पश्मीना सीप, पश्मीना भेड़, अंगोरा गोट, मेरिनो सीप, नॉन, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, मेरिनो भेड़ की ऊन सबसे उत्तम क्वालिटी की मानी गई है। ब्रह्मा, असील और बुशरा आर द ब्रीड ऑफ, ब्रह्मा, असील और बुशरा किसकी ब्रीड है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, ये पोल्ट्री की हैं, ये बर्ड हैं उनका, उनकी ये प्रजातियां हैं। 47वां है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ काऊ बॉडी इज, तो गाय का नॉर्मल तापमान क्या होता है, तो ए ऑप्शन सही है, 38.6°C, 38.6°C। 48, मैक्सिमम मिल्क यील्ड पर लैक्टेशन पीरियड ऑफ, तो सबसे अधिक दूध जो है प्रतिव्यात किसका होता है, प्रतिव्यात मतलब पूरे दूध देने की अवधि की बात चल रही है, तो बीटल है, जमुनापारी है, बर्बरी है, गद्दी है, तो इसमें दिए हुए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बीटल का होता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 49 है, नॉट मैच परगेटिव, यानी रेचक, जिससे कि पेट साफ हो जाता है,
लिंसीडायल मैच है, डायूरेटिक यानी जिससे पेशाब ज़्यादा होती है, पोटेशियम नाइट्रेट ये भी सही है, एंटीसेप्टिक बोरिक एसिड ये भी सही है, एनेस्थेटिक कॉपर सल्फेट नहीं है, एनेस्थेटिक में जान ही रहे होंगे क्लोरोफार्म होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। गोट ब्रीड कॉल्ड मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड, तो गोट की ऐसी प्रजाति जिसको कि विश्व की दूध की रानी कहते हैं, तो ए ऑप्शन सही है, सानेन 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 ऐसी प्रजाति है जिसको मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। 51वां है, नॉट मैच्ड गेस्टेशन पीरियड दिया है, काऊ 272 डेज, बफलू 360 डेज और गोट, हाँ ये सभी मैच हैं, ये आप पढ़ लिए होंगे, ये सभी मैच हैं। डी ऑप्शन गलत है, इसका भी 150-51 होता है, अतः ये 166 नहीं होता है, तो इसीलिए ये गलत है। नॉट ए ब्रीड ऑफ काऊ, तो काऊ की ब्रीड नहीं है, तो इसमें आप दिया है रेड सिंधी, अमृत महल, गंगा तीरी, नीली, तो बाकी तो हैं डी नीली, नीली जो है ये गाय की प्रजाति नहीं है। 53 है, नेम द काउ ब्रीड फॉर विच ए कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर इन इज इस्टेब्लिश्ड इन वाराणसी, संरक्षण एवं विकास केंद्र, एक प्रजाति है गाय की उसके लिए बनारस में स्थापित किया गया, वो कौन सी प्रजाति है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, गंगा तीरी प्रजाति के लिए ये सब किया गया है। गिव्स हाईएस्ट मिल्क पर लैक्टेशन पीरियड, दुग्ध काल में सबसे अधिक जो दूध देती है वो कौन है, ब्राउन स्विस, होलिस्टीन फ्रिजन, जर्सी, आयरशायर, तो बी ऑप्शन इसमें सही है, होलिस्टीन फ्रिजन। 54 है, बफलो ब्रीड गिव्स हाईएस्ट मिल्क, ऐसी कौन सी भैंस की प्रजाति है जो अधिकतम दूध देती है, तो मुर्रा है, नीली रावी है, भदावरी है, जाफराबादी है, तो डी ऑप्शन सही है, जाफराबादी। अगला है 56, काऊ ब्रीड गिव्स हाईएस्ट मिल्क, अब गाय की प्रजाति पूछी गई है कि कौन सबसे अधिक दूध देती है, सिंधी, साहिवाल, थारपारकर, गिर, तो यहाँ सिंधी है, सिंधी जो है अपने दूध काल में सबसे अधिक दूध देती है। अगला सवाल है, करण स्विस इज ए क्रॉस ऑफ साहिवाल, ब्राउन स्विस, तो इस सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ए ऑप्शन सही है, साहिवाल एंड ब्राउन स्विस के क्रॉस है करण स्विस। 58 है, नॉट मैच्ड, इसमें जीनस दिए हुए हैं, कास का काऊ का बॉस और बफलो का है बुबैलिस, गोट का कैपरा, सीप का हिरकस, तो बाकी सभी मैच हैं, केवल डी ऑप्शन मैच नहीं है, अतः इसमें डी उत्तर सही हो जाएगा। और 59वां है, नॉट ए डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काऊ, गिर, हरियाणा, थार पारकर, मेवाती, तो वास्तव में इसमें से जो मुख्य रूप से है वो गिर है, आपकी गिर जो है वो डुअल पर्पज ब्रीड नहीं है, बाकी हरियाणा, थार पारकर, मेवाती ये दुकाजी नस्लें हैं गाय की, यही पूछा गया है। ऑपरेशन और अंतिम सवाल है, ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड इन, तो 1970, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो यही ऑप्शन सही है, 1771। तो बच्चों हमने एनिमल साइंस के कुछ संभावित प्रश्नों को डाला है, आप धैर्यपूर्वक एग्जाम दें चारों प्रश्नों को पढ़ करके, और हमारी सभी प्रतियोगियों के प्रति सहानुभूति है, और निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। अगर संभव हो तो हमारे जो मॉक टेस्ट हमने 11 डाले थे एक बार ज़रूर देख लें, और निश्चित रूप से
ये नहीं होता है कि ये पीसीएस का प्रश्न है, ये पीजीटी का है, टीजीटी का है, प्रश्न प्रश्न होता है, उसका स्तर कम कर दिया जाता है छोटा बड़ा। तो हमारी तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी का पेपर अच्छा हो।